ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और उसकी चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 9 जुलाई सन 2023 दिन रविवार संवत 2080 का है। हिंदी का महीना श्रावण मास, जिसको हम सावन का महीना बोलते हैं, वो चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, योग रहेगा शोभन और करण होगा वृष्टि, राशि रहेगी मीन और चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से रहने वाली है, शाम 5:38 से लेकर शाम 7:22 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है साथियों, वह प्रातः 11:58 से आरंभ होकर के दोपहर 12:53 पर समाप्त होगी। और इसके अतिरिक्त गंडमूल आज शाम 7:30 से आरंभ हो जाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है ये उसी पर ही आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, आज आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन आप अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करना और उनसे बातचीत करना अधिक पसंद करेंगे, और आपकी आज की दिन स्थिति काफ़ी मजबूत और अच्छी रहने वाली है हर मामले में, और आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी बात को लेकर के, मन में टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समय आपके अनुकूल है। और अपने लाभों को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए, जो भी जितना भी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है उसको आप कभी भी कम ना आंकें। और आपको परेशानियों को ठीक करने में भी काफ़ी भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल करके आ पाएंगे और उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। और आज के दिन अगर आप अपनी भावनाओं को, इमोशंस को अगर कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए। उपाय आप करें अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए, नहाने से पहले नाभि में तेल लगाएं और शरीर पर तेल लगा करके उसके पश्चात स्नान करें। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए 4। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। प्रिय साथियों, आपका जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है आज के दिन, और आप बहुत अच्छे मूड में रहने वाले हैं। बाहर जाना और नए लोगों के साथ मिलना जुलना आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आप इसमें दिलचस्पी भी लेंगे, और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का इससे बेहतर तरीका और कुछ हो भी नहीं सकता। आपके पास किसी और चीज के लिए समय तो नहीं रहेगा, आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाने में सक्षम रहेंगे आज। उपाय आप करें भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो प्रिय साथियों, आप में से कुछ के लिए तो दिन काफी अच्छा व्यतीत होने वाला है, ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत है, और आप अपने आप को आज काफी भाग्यशाली भी महसूस करेंगे, और आपके सपने और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सब धीरे धीरे करके सच हो रही हैं, और आप बेहतर तरीके से काम कर सकने की स्थिति में भी हैं। और अन्य चीजों के बारे में बहुत अधिक चिंता करना फिजूल है, बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपनी उपलब्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि आप कुछ नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपकी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होती दिखती हैं। उपाय आप करें घर में रोटी या फल आदि रखने के लिए बांस, बैंत या सरकंडे की टोकरी या ट्रे का प्रयोग आप करें। ऐसा करने से पारिवारिक जो जीवन है उससे संबंधित समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए 6। कर्क राशि यानी कैंसर साइन। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपसे स्वयं का आनंद लेने का आग्रह हम कर रहे हैं कि आज के दिन आप आनंदित रहिए, इधर उधर की टेंशन, परेशानियां, चिंताएं ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दिन शुरू होते ही आपके पास धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीजें भी आपके भाग्य के अनुसार आपको मिलेंगी। आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, और काम के बावजूद आपके लिए मुश्किल समय भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है,
लेकिन दिन के अंत तक सब कुछ आप ठीक कर पाने में सक्षम रहेंगे और कुछ भाग्य का सपोर्ट होने के कारण चीजें अपने आप स्वतः ही ठीक होंगी और आपकी सारी मेहनत को लोगों के द्वारा पहचाना भी जाएगा, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा और इसके जरिए आपको बहुत ही सारी प्रशंसा भी मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा आपके कार्यों के लिए। जो कुछ भी आपने अभी तक हासिल किया है उस पर भी आपको काफी प्राउड आप महसूस करेंगे, फील करेंगे। उपाय आप करें, इस मंत्र का करें जाप, एक माला अगर आप जाप करते हैं इसका एक माला कम से कम, तो इसका आपको बहुत लाभ होगा आर्थिक स्थिति को लेकर के भी और पारिवारिक। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम इस्राम इस्त्रीम इस्त्रोम सह केतवे नमः। तो इसका आप उच्चारण करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद और शुभ अंक आपके लिए 3। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों, आज आपको किसी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल आपके सामने आ सकती है कि जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, और क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में होने के कारण आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद से जरूर बचना चाहिए। और आप ये नहीं जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम आपको ग्रहों के आधार पर ऐसा सुझाव दे रहे हैं। लेकिन आपके आसपास हर कोई ऐसा आपको महसूस होगा कि वातावरण भी तनावग्रस्त है, तनावपूर्ण है, और आप भी अपने आप को तनाव से युक्त महसूस करेंगे कि आप भी तनावग्रस्त रहेंगे, ऐसा आपको फील होगा। आज ग्रहों के कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। और आप किसी के उकसावे में बिल्कुल ना आए, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपको उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन थोड़ा सही तरीके से शांति से निकल जाए। उपाय आप करें, हरे रंग की कांच की बोतल में जल भर करके धूप में रख दीजिए एवं उस जल का सेवन करने से फैमिली लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, शुभ अंक आपके लिए 4। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। तो साथियों, आपको अपने आसपास के उन लोगों के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए जो आपकी कंपनी के लिए एक तरीके से अपना उनका जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या उनका डेडिकेशन है आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए आपको जरूर समय निकालना चाहिए। और लेकिन आपके व्यस्त कार्यक्रम के जो कारण ऐसा करने में आप थोड़ा असमर्थ हैं, और पुराने परिचितों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या परिवार के जो वो सदस्य हैं जिनके साथ आपको समय जरूर बिताना चाहिए, ऐसे उन पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर आप अपना समय व्यतीत करेंगे, समय बिताएंगे, तो इससे आपके परिवार में एकता और सामंजस्यता बढ़ेगी। दिन के अंत में आप थोड़ा अधिक प्रसन्न अपने आप को महसूस करेंगे, और आपने उन चीजों पर ध्यान जो केंद्रित किया है अभी तक पूरे दिन में, उनके भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त। उपाय आप करें, आज छोटी कन्याओं में खीर अगर आप बांटते हैं बनवा करके, तो यह आपकी मानसिक प्रसन्नता का कारण बनेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए 7। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। तो साथियों, आज आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर कुछ भी आपके मन में सही नहीं आपको लग रहा है तो उसे कल तक के लिए जरूर टाल दीजिएगा, और आप अज्ञात चिंताओं से अभिभूत हो सकते हैं या विशेष स्थितियों के बारे में बुरा महसूस कर सकते हैं। हर संभव प्रयास आपको करने चाहिए और जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोच समझ करके निर्णय लें, थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, या फिर किसी भी स्थिति पर बहुत जल्दी, जैसा मैंने कहा कि अगर आप निर्णय लेने वाले हैं या अगर आप मजबूरी समझते हैं कि लेना ही पड़ेगा, तो ये मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह सकती है जिसका नुकसान सीधे सीधे आपको उठाना पड़ सकता है। उपाय आप करें, हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भर करके धूप में रख सकते हैं एवं उस जल से स्नान वाले जल में उसको मिला करके आप स्नान करें, यह आपके स्वास्थ्य में लाभकारक हो। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए 2। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, आप में से कुछ को धैर्यवान और कुछ को रणनीतिक तरीके से अपने कार्यों को करना होगा आज के दिन, और इसी के साथ आपको अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, और बहुत सावधानी पूर्वक अपना जो भी आपका किसी के साथ व्यवहार है, वार्तालाप है, बहुत सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, चाहे वे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक मामले में क्यों ना हो। और आज अपने दिन की योजना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही, वैसे तो बेहतर दिन है, बहुत फेवरेबल दिन है आपके लिए। साथ ही वृश्चिक राशि के किसी करीबी के साथ किसी भी मतभेद को ज्यादा लंबे समय तक आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो नहीं चलना चाहिए लंबे समय तक, और जितना हो सके उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय आप करें, घर में सफेद पुष्प यानी फूल अगर आप लगाते हैं, इससे आपकी मानसिक प्रसन्नता में बढ़ोतरी होगी। शुभ रंग आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए 7। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन।
तो साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप बहुत शांति और आनंद का अनुभव करेंगे और आप जिस अच्छी ऊर्जा से घिरे हुए हैं उसका उपयोग अपने लाभ के लिए जरूर करें, विशेष रूप से कार्यस्थल पर, और यह आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का एक उपयुक्त समय है, क्योंकि आपके प्रयासों पर ध्यान दिया जाएगा पूर्ण रूप से, जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे, और यह अगले कई महीनों के भीतर प्रमोशन के रास्ते भी खोलेगा आपके लिए। यह भी आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जॉब में हैं और पिछले कई दिनों के तनाव के बाद आप इस वजह से काफी सुकून महसूस करेंगे, और अपने परिवार पर ध्यान ना देने की भरपाई करने के विषय में भी जरूर सोचना चाहिए। अपने मित्रों के साथ शहर से बाहर निकलने का आप प्लान करें और दिन भर के दबावों को भूलने की कोशिश करें। उपाय आप कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति यदि और बेहतर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गेहूं के 11 दाने प्रातः सनराइज के समय पर मुंह में डाल करके चबाएं, खाएं उनको। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए 9। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन। प्रिय साथियों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। ग्रहों की ओर से कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है और आपकी आय में वृद्धि के भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, जो ये कहते हैं कि धन सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आएगा। अचानक ऐसी जगहों से धन की आपको एक तरीके से आगमन हो सकता है कि जहां से आपको एक तरीके से उम्मीद ही ना हो। आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए भी कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट इस तरीके का अप्रिसिएशन के रूप में मिल सकता है, आपको प्राइज वगैरह मिल सकता है, और काम पर वेतन वृद्धि या बोनस जैसी कोई चीज लाभ के रूप में, धन लाभ के रूप में प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरह यह एक खूबसूरत दिन रहने का संकेत है ग्रहों के द्वारा। उपाय इसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय बनता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सूर्यदेव को प्रातः लाल रंग के पुष्प अर्पित करें आप। शुभ रंग संतरी, शुभ अंक 6। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन। तो आप अपनी प्रतिभा में विशेष रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे आज के दिन, ऐसा आपको फीलिंग्स आएंगी, और आप अपने जीवन के कुछ विषयों को लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने में भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, इस विषय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सहायता के लिए किसी मित्र या अपने कोई सहयोगी या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको पूछ लेना चाहिए जिस पर आपको ट्रस्ट है। जोखिम उठाने से बेहतर तो यही होगा कि आप किसी से एडवाइस लें और अपनी मदद के लिए हाथ बढ़ाने में कोई संकोच ना करें। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे। उपाय आप करें आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर करने के लिए, देखिए किसी के साथ जेलसी ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी के विषय में बुरा ना बोलें और किसी से बुरा ना सुनें। अगर आपने आज के दिन ये थ्योरी अडॉप्ट कर ली तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ा उपाय है, इसको आप करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 2। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप रचनात्मक कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और आज आपको रचनात्मक कार्य ही करने भी चाहिए। आपकी कागजी कार्यवाही भी काफी प्रभावशाली रहेगी, जो भी आप कागजी कार्यवाही करेंगे उसका एक अच्छा प्रभाव रहेगा और आज आप जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज का दिन आपके लिए काफी सुटेबल, काफी फेवरेबल रहने वाला है। उपाय आप करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय बनता है, देखिए ईश्वर में आस्था रखना ये आपके मन को प्रसन्न रखे और प्रसन्नता को बढ़ाएगा, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ उपाय है। नास्तिक बिल्कुल ना बने, आस्तिक बने और पूजा पाठ में निरंतर अपनी रुचि रखें। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 2। प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल, और हमने ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से निकल सकता है। लेकिन प्रिय साथियों, समय आ गया है ये सारी चर्चा के उपरांत अब अपनी वाणी को विराम देने का और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लेने का। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।